हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं फटाफट खबरों का। सोनीपत में सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान नड्डा ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। साथ ही कृषि बिल के मुद्दे पर बोलते हुए नड्डा ने कहा कि सही मायनों में किसान अब आजाद हुए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक बार फिर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। दरअसल केजरीवाल ने अपने ट्वीट में केंद्र सरकार के तीनों अध्यादेशों का विरोध करते हुए कहा कि सरकार किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों शोषण करने के लिए छोड़ रही है। केजरीवाल के ट्वीट पर गृहमंत्री विज ने वार करते हुए कहा कि केजरीवाल का काम देश में आग लगाना है। विज ने केजरीवाल को चैलेंज किया कि केजरीवाल बताएं कि कौन से विधेयक की कौन सी धारा में इसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी को बेचा गया। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल सिवानी मंडी और लोहारू पहुंचे, जहां लोहारू में उन्होंने स्थानीय सिंचाई विभाग के कार्यालय का उद्घाटन किया तो वहीं सिवानी मंडी में भी स्वर्ण जयंती पार्क का शुभारंभ किया। इसी के साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कृषि बिलों का जिक्र करते हुए कहा कि ये बिल किसानों के लिए रक्षा कवच का काम करेंगे। साथ ही विपक्ष पर वार करते हुए कहा कि विपक्ष बिल के मामले में किसानों को भ्रमित कर रहा है। प्रदेश में कृषि बिलों को लेकर बवाल जारी है। इस बीच प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने एक तरफ जहां बिलों को लेकर सफाई दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष पर निशाना भी साधा। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष प्रणाम सिंह चढ़ूनी ने किसानों के लिए बनाए गए तीन अध्यादेश के विरोध में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को शर्म आनी चाहिए, लेकिन दुष्यंत ने किसानों के वोट बीजेपी को बेच दिए। चढ़ूनी ने रोहतक में ऐलान कर दिया कि 20 सितंबर को नेशनल हाईवे 1 को छोड़कर अध्यादेश के विरोध में पूरे प्रदेश की सड़कें जाम रहेंगी। चढ़ूनी ने आज रोहतक की अनाज मंडी में अध्यादेश के विरोध में धरने पर बैठे आढ़ती और किसानों को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। लोहारू में खरीफ की खराब फसल की गिरदावरी की मांग को लेकर किसान प्रदर्शन करते हुए कृषि मंत्री के कार्यालय पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने कृषि मंत्री के कार्यालय पहुंचकर धरना दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार के पास बर्बाद फसलों का जो आकलन भेजा गया वो दफ्तरों में बैठकर तैयार किया गया, जो महज 33 से 50% दिखाया गया। तीन अध्यादेशों के विरोध में आढ़तियों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान आढ़तियों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के बाहर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का पुतला फूंका। आढ़तियों ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो आढ़ती किसान पूरे हरियाणा में अपना व्यापार बंद कर सरकार के खिलाफ रोष जताएंगे। फतेहाबाद में कृषि बिल को लेकर व्यापारियों और किसानों में भारी रोष है। व्यापारियों ने कपास चलाकर कृषि बिल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। व्यापारियों का कहना है कि जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेती तब तक व्यापारियों और किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा कृषि संबंधित तीन अध्यादेश के विरोध में हरियाणा की अनाज मंडियों में दूसरे दिन भी पूरी तरह हड़ताल रही। अनाज मंडी गेट पर हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय महासचिव बजरंग गर्ग के नेतृत्व में आढ़तियों ने तीन अध्यादेश के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के तीन अध्यादेश के विरोध में अनिश्चितकाल तक मंडी बंद रहेगी।
केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए 3 अध्यादेशों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार प्रदर्शन कर रहे किसानों को दूसरे व्यापारियों का समर्थन मिलना शुरू हो गया है। अंबाला शहर मार्केट कमेटी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए आढ़तियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि सरकार निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए अध्यादेश लागू कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा 3 कृषि अध्यादेश पारित करने को लेकर रतिया में खेती बचाओ संघर्ष समिति ने कमर कस ली है। सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए अलग अलग संगठनों ने मंडी बंद और रोड जाम का आह्वान किया। खरौंडा अनाज मंडी एसोसिएशन के आह्वान पर 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर आढ़ती अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल का राइस मिलर का भी समर्थन मिल रहा है। घरौंडा की एक कार्यकारिणी की बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया कि घरौंडा मंडी को भी पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। आढ़तियों ने मांग की है कि सरकार 3 कृषि अध्यादेश को वापस ले और कृषि आंदोलन के दौरान किसानों और आढ़तियों पर किए गए मुकदमों को वापस ले। प्रदेश के सरकारी स्कूल 21 सितंबर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले सभी टीचर्स का कोरोना टेस्ट होना जरूरी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से सभी सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों के अध्यापकों के साथ साथ अन्य स्टाफ की टेस्टिंग की जा रही है। इसी कड़ी में सभी स्कूलों के अध्यापकों के सैंपल लिए जा रहे हैं। भिवानी जिले के अलग अलग गाँव में इसी तरह से स्कूलों में जाकर स्वास्थ्य महकमे की टीमें सैंपल कलेक्ट कर रही है, जहां न केवल अध्यापकों और अन्य स्टाफ ही नहीं बल्कि गांव में स्थित बैंकों और कर्मचारियों के सैंपल लिए जा रहे हैं। टीम के प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि सभी कर्मचारियों की सैंपलिंग की जा रही है, क्योंकि 21 तारीख से स्कूल खोले जाने हैं। नौकरी बहाली की मांग को लेकर पीटीआई टीचर्स का धरना 97 दिन भी जारी रहा। धरने पर बैठे पीटीआई टीचर्स ने लघु सचिवालय में रोष जाहिर करते हुए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह के आवास का घेराव किया। सरकार ने रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से पूरे देश में 20 पेयर क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया है। इस बारे में जानकारी देते हुए अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन के निदेशक बीएस गिल ने बताया कि रेल मंत्रालय की ओर से आगामी 21 सितंबर से समूचे देश में 20 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। इसी कड़ी में अंबाला छावनी से 3 पेयर्स क्लोन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। उन्होंने बताया कि इन ट्रेनों के बहुत कम ठहराव होंगे। नांगल चौधरी के गांव कालबा में बुधवार को वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया। हमले में घायल हुए वन विभाग के रेंजर और डिप्टी रेंजर की शिकायत पर आरोपी सरपंच को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। आपको बता दें कि कालबा गांव के सड़क किनारे जेसीबी से पेड़ों की मिट्टी उठाने से रोकने पर सरपंच समेत कई लोगों ने वन विभाग की टीम पर लाठी कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था। आईपीएल क्रिकेट मैचों की शुरुआत के साथ साथ रेवाड़ी में सट्टा बाजार की गर्मी और मैचों पर करोड़ों रुपए का सट्टा लगाने वाले बुकीज भी अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। आपको बता दें कि रेवाड़ी हमेशा से आईपीएल के मैचों पर भारी भरकम सट्टा लगाने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मीडिया की सुर्खियों में रह चुका है। आईपीएल को देखते हुए इस बार रेवाड़ी पुलिस भी इन बुकीज पर अपना शिकंजा कसने में कोई कोताही नहीं बरतना चाहती। आईपीएल के शुरू होने के साथ ही साइबर सेल, सीआईए और पुलिस के खुफिया विभाग की पैनी नजर रेवाड़ी के विश्वविख्यात सटोरियों पर है।
प्रदेश के अलग अलग जिलों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक और व्यक्तिगत उपस्थिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित मुकदमे निपटाए गए। अपने मुकदमों को लेकर लोगों ने मोबाइल के माध्यम से वीडियो कॉल के जरिए जज के सामने रूबरू होकर अपनी पेशी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए ज्यादातर मुकदमे मौके पर ही निपटा दिए गए। हालांकि जिन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक सुविधा नहीं थी, वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए फिजिकल रूप से अपने वकीलों के माध्यम से उपस्थित हुए और अपने मुकदमों का निपटारा करवाया। फरीदाबाद में एक शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। एक नाबालिग ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर दो बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़ित का आरोप है कि आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो भी बनाई, साथ ही आरोपी उसे धमकी दे रहा था कि वो फोटो वायरल कर देगा। पानीपत के गांव कुराना में संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान कुरान गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र के रूप में हुई है, जो कबड्डी का प्लेयर था। गोलाचिका से ऑनर किलिंग के चलते युवक की हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि मृतक के भाई ने बताया है कि 2 साल पहले उसके भाई ने घर से कुछ दूरी पर रहने वाली युवती से प्रेम विवाह किया था, जिसकी वजह से लड़की के परिजन उससे खफा थे। कुछ दिन पहले लड़की ने अपने परिजनों के घर गई हुई थी। जब उसका भाई पत्नी को लेने अपनी ससुराल गया तो लड़की के परिजनों ने उसे पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया। झज्जर जिले के दूबलधन गांव में एक व्यक्ति की कुल्हाड़ी से गला काटकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान ओम प्रकाश के रूप में हुई है, जो रोडवेज विभाग में बतौर लिपिक के पद पर कार्यरत था। बताया जा रहा है कि घर की छत पर ही रात के समय अज्ञात हमलावरों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद में कुछ गौ तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। दरअसल गौ रक्षकों को सूचना मिली थी कि कुछ गौ तस्कर तस्करी करने जा रहे हैं, जिसके बाद गौ रक्षकों ने नाकेबंदी कर जब तस्करों को रोकने की कोशिश की तो तस्करों ने गौ रक्षकों पर फायरिंग कर दी। मामला बढ़ता देख तस्कर मौके पर पिकअप गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप गाड़ी से 6 गायों को बरामद किया। फिलहाल पुलिस तस्करों की तलाश कर रही है। भिवानी में गौरक्षा दल के लोग गौवंश के शवों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरना दे रहे गौरक्षा दल के प्रधान ने बताया कि अमावस्या के दिन लोगों ने बेसहारा गायों को अधिक तला हुआ खाना खिला दिया, जिससे गायों की मौत हो गई। गौरक्षा दल के लोगों की मांग है कि इनकी मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। तो वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने कहा कि संबंध में नियम के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में प्रभावित हो रही शिक्षा व्यवस्था को ऑनलाइन जारी रखने की कोशिश की गई, लेकिन पंचकुला में मोरनी क्षेत्र में कई गांव ऐसे भी हैं जहां नेटवर्क ना होने के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। गांव के छात्र मोबाइल नेटवर्क ना होने के कारण ऊंचे पहाड़ों या फिर पेड़ पर चढ़कर ऑनलाइन पढ़ाई उनको करनी पड़ती है। हैरानी की बात है कि इस गांव में आजादी के 74 साल बाद भी मोबाइल का नेटवर्क नहीं पहुंचा है। राई के गांव जखौली में एक युवक का शव जलता हुआ पाया गया। मौके पर पहुंचे लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव के गले पर रस्सी के निशान भी पाए गए। ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि किसी ने युवक की हत्या कर उसके शव को जला दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में कलयुगी बेटे की काली करतूत सामने आई। यहां एक शख्स को अपनी बहू के चरित्र पर शक करना महंगा पड़ गया। पत्नी के चरित्र पर संदेह करने से बेटा इस कदर आग बबूला हो गया कि उसने पिता को ही मौत की खाट उतार दिया।
पुलिस के मुताबिक मृतक राजबीर और सौतेले बेटे सुनील के बीच बहू के चरित्र को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था, लेकिन विवाद इतना बढ़ गया कि कलयुगी बेटे ने सो रहे पिता की गला रेतकर हत्या कर दी। पंचकुला के गांव नवानगर में बच्चों के लिए व्यायामशाला का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन इस निर्माण को लेकर गांव वाले विरोध करने लगे हैं। ये विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि व्यायामशाला को गांव के बाहर करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर हाईवे के पास बनाया जा रहा है। गांव वालों की मांग है कि व्यायामशाला को गांव के अंदर स्कूल के ही पास बनाया जाए। गांव वालों ने शासन और प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो व्यायामशाला का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।